नमस्कार, मैं सचिन अशोक यादव नाट्य पेदार्स और भारत की रॉकर्स इस यूट्यूब चैनल का फाउंडर। आज हमारी संस्था आपके लिए एक फिल्मी यात्रा माने के फिल्मी उत्सव आपके लिए लेके आ रही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शांताराम कारंडे, सिद्धन पिक्चर्स और डॉक्टर शांताराम कारंडे फैंस फाउंडेशन प्रोडक्शन हाउस, ये संस्था नाट्य विद आर्ट्स के फिल्मी यात्रा से जुड़ी हुई है। ये इवेंट्स को जुड़ने का मेन कारण ये है कि इसमें इसका जो मोटो है नाट्य विद आर्ट्स का, इसका मोटो ये है कि उनकी आज तक की सब शॉर्ट फिल्में आपके सामने आए जो कि महिला के रिलेटेड है, वुमेंस रिलेटेड है, महिला सशक्तिकरण के बारे में इसका अच्छा दर्शाया गया है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखना चाहे, इसीलिए हम भी इस अच्छे कंसेप्ट से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं शीतल संजय गीते, मैं मराठी इंडस्ट्री में एक अभिनेत्री के तौर पर कार्यरत हूँ। मैं खुद नाट्य विद आर्ट्स की एक सदस्य हूँ और हमारा नाट्य विद आर्ट्स आप सबके लिए एक इवेंट लेके आ रहा है जिसका नाम है फिल्मी जत्रा। इस इवेंट में मेरी खुद पहली बार दिग्दर्शित की गई एक शॉर्ट फिल्म भी शामिल है जिसका नाम है सी सॉ। इस इवेंट की मेन मोटो है कि हमारी शॉर्ट फिल्म्स आप तक पहुंचे और उनके सब्जेक्ट आपको पसंद आए। हमारे इन शॉर्ट फिल्म्स के सब्जेक्ट वुमन एम्पावरमेंट से जुड़े हुए, स्त्री के अलग अलग पहलू आपको इन शॉर्ट फिल्म को देखने को मिलेंगे। मतलब ये उत्सव बहुत अच्छा होने वाला है और इस उत्सव में मतलब आपको बहुत सारा एंटरटेनमेंट मिलने वाला है, तो आज ही मैं कहूँगा आज ही अभी जाकर मराठी रॉकर्स यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करके रख दीजिए और 31 मई तक आपको जो ये फिल्म उत्सव, फिल्मों का उत्सव होने वाला है उससे जुड़े रहिए। ये इवेंट यूट्यूब पे होने वाला है, आने वाली 23 मई से 31 मई तक आपको ये सारी शॉर्ट फिल्म यूट्यूब पे देखने मिलेंगी। आप अभी जाकर हमारे मराठी रॉकर्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इन सारी शॉर्ट फिल्म का और हमारे इस इवेंट का मजा लें। तो हमारी ये शॉर्ट फिल्म देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हमारे चैनल का नाम है मराठी रॉकर्स, अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। और इसे देखने के लिए आपको मराठी रॉकर्स को आज ही सब्सक्राइब करना चाहिए। इवेंट्स के लिए मेरी संस्था सिद्धांत पिक्चर्स और डॉक्टर शांताराम कारंडे फैंस फाउंडेशन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और मैं इस